अभी जो प्रभु जी तो जो भजन गा रहे हैं ये हरे कृष्णा बोलो हम लोग आता होगा ना। देखो ये महामंत्र में इसका नाम है महामंत्र। महा मतलब होता है सबसे बड़ा, मंत्र मतलब होता है मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र ये है। ये हरे मतलब होता है, हम लोग संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़े हो, कौन कौन पढ़े हो हाथ उठाओ। हाँ देखो इसका मूल शब्द होता है हरा। हम लोग संस्कृत अगर शब्द याद किए होंगे जैसे लता शब्द है, जैसे रमा शब्द अब याद किए हो, जैसे लता लते लता लता लते लता लता भम लता भी है, उसी तरह चुप के रहो अब तुम जाओ। इसलिए इसका जैसे इसका मूल शब्द है हरा। हरा मतलब होता है जो कृष्ण के मन को प्राण को चित्त को जो हरण करती है वो हरा की श्रीमती राधा रानी है। हरे मतलब होता है श्री राधा रानी, और कृष्ण मतलब होता है कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ होता है कि जो हरे शब्द है जो भगवान जो समस्त दुख कष्ट को जो हरण कर ले इसलिए उनका नाम हरे है। हरी से ये हरे हो जाता है, तो हरे नाम लेने से क्या होगा, जीवन का जितने दुख कष्ट है संसार में देखना, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई परिवार से दुखी, तरह तरह का चीज से हम दुखी दुखी है। लेकिन जब भगवान का नाम लेंगे, कहते ना सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, लेकिन जब हरि का नाम लेते हैं जो हमारे दुख कष्ट को जो हर लेते हैं, इसलिए इनसे हो गया हरे। कृष्ण मतलब क्या है, आप देखना संसार में सब कुछ है लेकिन इतना कभी मन में शांति नहीं, मन में कभी सुख नहीं, लेकिन घर में सब कुछ है लेकिन मन में शांति सुख नहीं, ये कृष्ण मतलब क्या होता है। क्री मतलब होता है आकर्षण करना, और स्ना मतलब होता है आनंद करना। मतलब है अगर कोई कृष्ण नाम लेगा तो अगर मन में कोई अशांति है ना, तुम्हारे मन में कोई अशांति नहीं आएगी, मन को शांति मिलेगा, मन को शांति मिलेगा। इसलिए कृष्ण स्ना मतलब क्या, जो हमें आनंद देगा, मन को भटकने नहीं देगा और आनंद देगा। भले राम शब्द क्या है, राम राम का मतलब क्या है, जो हमें आराम दे, क्या दे हमें आराम। हम जीवन में तो यही चाहते ना, जीवन में आराम चाहिए, हमें शांति सुख चाहिए, मन को सुखी चाहिए, समस्त दुख कष्ट दूर हो जाए। देखना संसार में हम जो कुछ करते ना इसीलिए करते हैं, इसलिए करते हैं ना। अगर ये नाम को कोई ग्रहण करेगा ना दुख कष्ट दूर जाएगा, मन में जो अशांति है मन को शांति मिलेगी और जीवन में हमें आराम मिलेगा। अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र को कोई जप करेगा तो इसमें बड़ा ताकत है। हाँ इस शब्द में बड़ा ताकत है। अब बोलोगे नहीं कुछ नहीं होता है बेकार का, बोले नहीं देखो शब्द की कितने शक्ति, देखो आपका नाम क्या बता जी, क्या रेखा, रेखा देखो ये शब्द की कितने शक्ति है। अगर मैं बोल तो रेखा माता जी बहुत अच्छी स्वभाव की है, सबको प्यार करती है, सबको प्रेम दया करती है, सबको दान देती है, शब्द ही ना हम खुश कर देता है, खुश कर देता है कि नहीं। अगर थोड़ी सी उल्टी पुल्टी बात किसको बोल दे है, जैसे ये महाभारत क्यों हुआ आपको पता है, द्रौपदी केवल इतनी सी बोल दी थी अंधा का बेटा अंधा है, महाभारत देखे होंगे ना, केवल इतनी सी बात, ज्यादा बात नहीं, केवल इतनी सी बात बोल दी थी अंधा का बेटा अंधा, जितने महाभारत का ही था। कभी कभी हमारे घर में भी महाभारत हो जाती है थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के, अगला सबसे अगर मीठी शब्द बोले सब घर बढ़िया चलता है, बढ़िया चलता है कि नहीं। इसलिए अगर इस साधारण शब्द में इतने शक्ति है फिर भगवान के नाम में कितने शक्ति नहीं, बड़ा ताकत है, ठीक है ना। हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं हम लोग पीछे पीछे ताली बजाते हैं, देखो भगवान के कीर्तन में ताली बजाओगे ना कहते भाग्य रेखा बदल जाती है। हम ताली कब बजाते हैं, किसकी स्वागत में, कहते ना ताली बजा कर स्वागत करें, जैसे यहाँ पर हम ताली किसके लिए, किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो, ठाकुर जी, ठाकुर जी के स्वागत में। अगर कभी रेखा अगर कुछ गड़बड़ी सड़बड़ी हो भगवान का कीर्तन में ताली बजाने से समस्त भाग्य रेखा भी बदल जाती है। और दूसरा काम होता है ताली बजाओगे ना, आप सुने होंगे कि एक्यूप्रेशर नाम से, एक्यूप्रेशर अब रामदेव बाबा का योगा देखे होंगे, कहते ना भैया ये पैंट्स को दबाओ तुम्हारे कैंसर सही हो जाएगा, ये पैंट्स को दबाओ तुम्हारी बीपी सही हो जाएगा, ये पैंट को दबाओ तुम्हारी शुगर सही हो जाएगा, देखे होंगे ना योगा में देखे होंगे,
जब कीर्तन में ताली बजाते हैं ना, देखना सारी बीमारी भी सही हो जाएगी, क्योंकि सारे पैंट से दबती है इसमें। बड़े भाग्यवान है जो भगवान कीर्तन में ताली बजाते हैं, इसलिए ठीक है ना, मेरे पीछे पीछे ताली बजाते Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मैं बोलूंगा वृंदावन में, अब लोग क्या बोलोगे? अब लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन गए हो? सब गए हो? अब देखना वृंदावन में गए होंगे, देखना कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते। क्या बोलते? राधे राधे बोलते। राधे राधे क्यों बोलते हैं? हाँ कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते? राधे कृष्ण कृष्ण में कुछ बोलो। राधे कृष्ण कृष्ण में कुछ, हाँ इसलिए कहते ना राधे राधे रटो चले आएंगे। हाँ राधा जी का नाम लेते ही वो कृष्ण खुश हो जाते हैं, और कृष्ण का नाम लेने से राधा रानी खुश हो जाती है। राधा जी के नाम से कृष्ण, कृष्ण के नाम से राधा रानी, इसलिए वृंदावन में कृष्ण खुद कहते हैं ये बात को, कहते वृंदावन में राधे राधे क्यों लेते हैं? कृष्ण कहते हैं बोले रा शब्द कुरुपन तस्मात ददामी भक्ति उत्तम। अगर किसी ने केवल रा अक्षर बोल दिया तो कृष्ण कहते हैं मैं सोच में पड़ जाता हूँ, इसको मैं क्या दू, क्यों मेरी राधा जी का नाम पहला अक्षर उच्चारण किया। कृष्ण कहते हैं मेरे पास में रा अक्षर का विनिमय में कुछ रहता नहीं देने के लिए, लास्ट में मैं खुद को खुद दे देता हूँ, आज से मैं तेरा ही हो गया। कृष्ण कहते आज मैं तेरा हो गया। अगर कोई धा बोल दिया ना, कृष्ण कहते हैं ये राधा, ये दो अक्षर सुनने के लिए मैं उसको पीछे पीछे भागते रहता हूँ, इसलिए कहते राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। इसलिए वृंदावन में सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, और राधा जी का नाम लेने से कृष्ण खुद कहते हैं, कहते मम नाम सत्यनापी राधा नाम सदूतम। कृष्ण कहते मेरे जो 100 बार जो मेरे नाम को ले, कितना बार ले? 100 बार अगर मेरे कोई एक नाम ले, कहते एक राधा रानी के नाम के साथ में बराबर है। मतलब एक राधा जी का नाम जो ले लिया ना,
कृष्ण कहते हैं मेरे नाम 100 बार लेने का उसको फल मिल जाता है। इसलिए ब्रजवासी लोग बड़े चालाक है, सबसे बड़े चालाक है, इसलिए वृंदावन में श्री राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए मैं बोलूंगा वृंदावन में आप लोग क्या बोलोगे, जोर से बोलना, जितने जोर से राधा रानी का नाम लोगे ना उतना पाप ही खत्म होएगा। ठीक है, बोले वृंदावन में यहाँ पर सत्संग के लिए भगवान की कथा के लिए हम सबके सब यहाँ पर पहुंचे। देखो श्री शंकर जी ये बात पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज की सुलभ है, लेकिन पार्वती एक चीज बड़ा किस्मत वालों को मिलता है। तो माता पार्वती कहती है प्रभु किस चीज की दुर्लभता है? शंकर जी कहते पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसार, ये जो संसार में जो सत्संग है पार्वती बड़ा दुर्लभ है। पार्वती कहती है प्रभु दुर्लभ कहां, देखो सुलभ है ना। वैभव ने बोले हमारे घर में भक्त लोग आएंगे, घर में हरि चर्चा होगी, हरि कीर्तन होगी, सबके सब आओ। पार्वती बोले प्रभु सुलभ का अब कहते दुर्लभ, तो सुलभ हो गया, ये तो सुलभ हो गया ना। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती कहते आप यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाए। बोले पार्वती सत्संग में आना बड़ा कठिन है। अगर किसको बोले यहाँ पर ऐश्वर्य राय आ रही है, अमिताभ बच्चन आ रहा है, शाहरुख खान सलमान खान आ रहा है, अब बताओ घर में प्यार रखने की जगह होगी? घर में बिना बुलाए से आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी है। केवल हीट लगते ही पता नहीं कहाँ से लोग आएंगे, इसी सोसाइटी की बात तो छोड़ दो, सारा दुनिया के लोग आ जाएंगे। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती
आब तक यही सारा अति कठिनाई अरे राम कृपा बिन आए न जाए। बोले पार्वती सत्संग में ना बड़ा कठिन है, तरह तरह का जंजाल, गृह जंजाल तरह तरह का, इसलिए लेकिन राम कृपा बिनो आए न जाए। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो पार्वती कत जीवन में पार्वती ये सत्संग हरि कथा नहीं मिलती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कत सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जगत में दो चीज दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। एक तो संतों का संग दुर्लभ है और भगवान की कथा भी दुर्लभ है। आज हम लोग को ये दो चीज मिल रहा है, दो चीज मिल रहा है कि नहीं, संतों का संग भी मिल रहा है, ठाकुर जी की कथा भी मिल रहा है। इसलिए बड़े भाग्यवान को ये सब चीज मिलता है। आप बोलोगे भैया सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग की इतने क्यों महिमा बताए। आप इनके छोटी सी स्टोरी सुना था, अब ये स्टोरी को याद कर लेना ठीक है, अब दूसरों को भी भुलाना, दूसरों का भी कल्याण। बोले एक समय क्यों ये सत्संग की इतने महिमा क्यों बताया, कारण क्या है, हमको सत्संग में मिलता है क्या। हाँ अच्छे तरह सुनो। बोले एक समय कोई एक राजा था, वो राजा घर में कोई औलाद नहीं है, इसलिए राजा दुखी है भविष्य में ये राज सिंहासन को कौन संभालेगा। एक दिन कोई संत आए, बोले महाराज कैसे ठीक ठाक है कि नहीं। बोले क्या ठीक ठाक है, घर में कोई औलाद है ही नहीं, भविष्य में सिंहासन को कौन संभालेगा, हम तो बड़े दुखी है। बोले कोई चिंता मत करो, कहते जो ना करे लकीरी कहते सो करे फकीरी। लकीरी मतलब है भाग्य, कि तुम्हारी भाग्य में जो चीज नहीं है, अगर सचमुच से कोई संत हो ना, अगर उनके आशीर्वाद हो जाए वो भाग्य भी बदला सकते हैं। इसलिए आप भागवत कथा सुने होंगे, सुने हो भागवत कथा, गोकर्ण धुंधुकारी की कथा सुने होंगे। जब ये आत्मदेव का संतान नहीं था, संत से मिले तो संत ने एक फल दे दिया, बल्कि ये फल पर पत्नी को खिलाओगे तो बच्चा होगा, लेकिन उसने खुद पत्नी को दिया, पत्नी नहीं खाई, किसको खिला दिया, गैया को खिला दिया। लेकिन जो गैया बांझ थी ना, जो गैया कोई बच्चा नहीं होता था, उसको एक सुंदर बच्चा जन्म लिया, इसलिए जिसका नाम रखा गोकर्ण नाम रखा है। बड़े विद्वान बोला, क्यों संतों का आशीर्वाद है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए संत के आशीर्वाद दी तो उसको घर में एक बड़ा सुंदर बच्चा जन्म लिया, बड़ा सुंदर बच्चा। लेकिन क्या हुआ, कुछ गुंडे चोर थे, वो पैसा के लोभ से ना वो बच्चे को किडनैप कर लिए, किडनैप कर दिए। तो एक दिन फिर संत आए, बोले महाराज सब कुशल मंगल है ना, तेरे तो घर में तुम्हारी घर में तो बेटा हो गया, अभी सब कुशल मंगल है कि नहीं। बोले क्या बता, बड़े दुखी है। बोले फिर दुखी क्यों, बोले पता नहीं वो बच्चे को किसने किडनैप करके ले गया। लेकिन वो संत बड़े पहुंचे हुए संत थे, बोले मैं देखता हूँ तुम्हारे बच्चा कहाँ पर है, और ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके सब दुख देख लिया। बोले तेरे बच्चा अभी जिंदा है, बोले जिंदा है, बोले जिंदा भी है बढ़िया से भी है। बोले बताओ कहाँ पर, अभी मैं ले आता हूँ। बोले बीच में गड़बड़ी भी हो गई। बोले क्या हो गया, बोले जिस समय वो बच्चे को उठा करके ले गए तो छोटा बच्चा था, उसको इतने ज्ञान नहीं था, अभी बच्चा तो बड़ा हो गया, अगर वो बच्चे को तुम ले आओगे ना तेरे को मानेगा नहीं, पिता रूप में नहीं मानेगा, क्योंकि उसको जो सिखाया वही अभी सीख रहा है, अभी तेरे को तो भूल गया पूरा के पूरा, लाओगे तेरे को मानेगा नहीं। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा, बोले अगर आप बोलोगे पहले मैं जाकर के वो बच्चे को मैं समझाता हूँ सचमुच से, तेरे घर कहाँ पर है, तेरी पिता माता कौन है, तू कौन हो, अगर ये चीज को समझ जाएगा ना फिर आप ले आओ, फिर आपको समझेगा। बोले बाबा तो बड़ी कृपा होगी। वो संत गए, देखा बच्चे को खेलते हुए, बोले बोले बेटा इधर आ। बोले तेरे घर कहाँ है, एक छोटी सी झोपड़ी था। बोले ये मेरे घर है। बोले तेरे पिता माता कौन है, वो जो चोर डाकू थे ना, बोले ये मेरे पिता माता है। बोले बेटा ये तेरे घर भी नहीं, ये तेरे कोई पिता माता भी नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, बचपन से तो मैं ही देख रहा हूँ। बोले इसलिए तो मैं तेरे को समझा रहा हूँ। बोले फिर, बोले इस देश का जो राजा और रानी है ना, ये तेरे पिता माता है। एक दिन ये देश का तू राजा बनने वाले हो, एक दिन राजा बनने वाले, लेकिन अभी कहां पर, छोटी सी झोपड़ी में रहते हो, रहने वाले राजभवन में, रोज तुमको छापान भेग छतरी से व्यंजन तुम खाने वाले हो, लेकिन अभी तेरे नसीब में सूखे रोटी भी नहीं मिल रहा है। बोले इसका प्रमाण क्या, बोले देख बेटा, अब देखना बच्चे को अंदर में पिता माता की चेहरा आता है, कभी कभी बोलते हैं ना, देखो ये बच्चे में इसकी माँ की चेहरा आया है,
कभी कभी कहते ना देखो ये बच्चे में उसके पिताजी के चेहरा है, आता कि नहीं? कभी कभी देखना पिता माता के मिलता हुआ चेहरा बच्चे में आता है, देखे कि नहीं? आता है कि नहीं? जैसे पिता माता होगा बच्चे भी ठीक वैसे होते हैं। बोले तू देख तेरे चेहरा को, देखो कितने लंबे चौड़े कितने सुंदर हो, जिसको तुम पिता माता कहते हो तुमको साथ में चेहरा को मिला करके देखो तेरे मिलता है कि नहीं। अभी तो उसने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन जब मिला करके देखा कि बात तो सही बता रहे हो। बोले ऐसे कैसे हुआ? बोले जब तुम छोटा बच्चा था ना, ये चोर लोग ने तुमको किडनैप करके लाए पैसा लोभ से, अभी तेरे पिताजी बड़े दुखी तेरे लिए हैं, घर में जाओगे? बोले घर में जाओगे? बोले तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बोले ठीक है, मैं राजा को जाकर समझाता हूँ। फिर राजा के पास में गया, सारे बात बता दिया। बोले अभी तेरे बच्चे को मैंने समझा दिया, बच्चा समझ गया है। बोले कहाँ पर? बोले अमुक स्थान पर सारे गुंडे चोरों को बीच में फंसा हुआ है, सैन्य सामंत लेकर के जाओ, घेराव करो और अपना बच्चे को वापस ले आओ। जब उसने अपना बच्चे को वापस ले आया तो देखा राज महल इसके घर है, राजा रानी उसको पिता माता, देश का एक दिन यही वही राजा बनने वाला है। घर में कितने नौकर चाकरानी काम कर रहे हैं, छापान भोग छत्री से व्यंजन खाने वाले हैं, है आनंद ही आनंद हो गया, आनंद आनंद हो गया, देश का राजा बन गया ना। देखो ये जो कथा है ना, ये हम सबका कथा है। अब बताओ तो हम लोग कौन हो? हम कहते ना तुमैव माता च, बोलो आगे, तुमैव तुमैव बंधुस्स सखा तुमैव तुमैव विद्या तुमैव सर्व। इसलिए हमारे वेद कहता है हम लोग जो है अमृतस्य पुत्र, हम भगवान के औलाद, हम सब ठाकुर के बच्चे हैं, भगवान की धाम कैसे है। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं जहाँ पर रोग नहीं, जहाँ पर शोक नहीं, जहाँ पर कोई बुरा नहीं होते, जहाँ पर बुरी नहीं होते, जहाँ पर कल्प वृक्ष पानी अमृत कुछ बोलने तो लगता है बड़ी सुंदर भजन गाते हैं, जहाँ पर जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि कुछ भी नहीं, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, भगवान का धाम है, भगवान की धाम है, हम वहीं के रहने वाले हैं। लेकिन अभी हम सबके सब किडनैप हुए, क्या हुए? मानते हो कि नहीं किडनैप हुए? मानते हो किडनैप हुए? हम सबके सब माने नहीं माने सब किडनैप हम लोग हुए हैं, हैं? लेकिन अभी हम जिसको घर मानते हैं परिवार मानते हैं, एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा। कोरोना में कितने लोग गए, गए कि नहीं कोरोना में कितने लोग? एक दिन सबको भी जाना पड़ेगा। अगर अपना होता तो फिर हम छोड़ते क्यों? छोड़ते नहीं, फिर तो साथ भी रहते। हमारे जो पिताजी 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 सब गए कहाँ, फिर गए क्यों? अगर अपना होता तो क्यों छोड़ते क्यों? क्योंकि हम लोग असली अतर में हम इस संसार के नहीं है, हमारे धाम ठाकुर के चरण में हम सब भगवान के बच्चे हैं, ठाकुर जी की हम बच्चे हैं। लेकिन हम बीच में किडनैप हुए हैं। लेकिन अभी वो बात किसने जाकर वो बच्चे को समझाया, तुम असली अतर में तुम्हारे घर कहाँ, तुम कौन हो कहाँ? वो संत ने जाकर समझाया, वो संत ने जाकर समझाया, देख बेटा तुम देश का राजा हो एक दिन, है तेरे पिता माता साधारण नहीं, देश का राजा रानी तुम्हारी पिता माता है, ठीक है ना? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसलिए जब तक ठाकुर को कृपा नहीं होना तब तक ये सत्संग नहीं मिलती है। अगर तो बिनु सत्संग विवेक ना हो, जब तक हमें संतों की संग नहीं मिलेगा, ज्ञान हमें कौन देगा? हमें ज्ञान कौन देगा? देने वाले संत ही तो हमें ज्ञान देगा ना, देने वाले तो वही है, हैं? इसलिए जो सत्संग है, इसलिए शंकर जी कहते पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा, ये संसार में जो सत्संग है पार्वती बड़े किस्मत वालों को मिलता है। और जब सचमुच से हमें सत्यों की संग मिले फिर ज्ञान उदय होता है, जब हमें ज्ञान उदय होता है फिर तो फिर भगवान के चरण को हम लोग प्राप्त करते हैं। अगर प्रश्न होता है फिर हम भगवान को मिलेंगे तो ठाकुर मिलेंगे कैसे? कलयुग में हमें हम अपना घर में कैसे जा सकते हो? अपना घर में तो जानी चाहिए ना, हम तो किडनैप हुए हैं, है? अपना घर में जानी चाहिए, लेकिन घर में जाने के लिए तो क्या करना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। भगवान बोले घर में जाने के लिए ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं। जैसे मानो पिता माता अथाह संपत्ति के मालिक, लेकिन बच्चा पिताजी की बात नहीं सुना, पिताजी बोले तो अगर तुम्हारे बात नहीं मानता घर जाओ निकल जाओ, मेरे संपत्ति में तुम्हारी कोई अधिकार नहीं। लेकिन पिता क्या सुखी रहेगा? बच्चे को सुखी देख करके पिता माता सुखी होते हैं। बच्चे अगर दुखी हो ना पिता माता भी दुखी रहते हैं। अगर वो बच्चा आकर के इतनी सी बोल दे, बच्चा आकर के पिताजी को इतनी सी केवल बात बोल दे
पिताजी हमने जो किया है गड़बड़ी किया है, कहते एक्सक्यूज मी, बस इतना बोल दे, एक्सक्यूज मी इतना बोल दे, पिता क्या करेगा, फिर गोद में उसको लगा लेगा ना, गोद में लगा लेगा ना, बोले बेटा मैं तो यही चाहता था सारे संपत्ति का मालिक तू ही बन, लेकिन तुम्हारे बात नहीं सुना, तुम्हारी बात नहीं सुनते हो, इसलिए बात केवल इतनी सी हमें ठाकुर को बोलना एक्सक्यूज मी, बस इतने से सारे काम हो जाएंगे, सारे काम हो जाएगा, फिर पिता अपना गोद में भर लेगा, है एक्सक्यूज मी केवल बोलने के केवल देर नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसलिए कलयुग में बोले वो कैसे बोलना पड़ेगा, ठाकुर जी कैसे खुश होंगे, इसलिए बोले भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में आए, ठाकुर जी कहते ना हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में आए हैं। अगर हम अपना घर में जाना चाहते हैं एक काम करना पड़ेगा, ठाकुर जी का नाम जप करना पड़ेगा, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरेगा, माता जी को सब याद है, अच्छी बात है, हमें बोलने से पहले भैया बोल देते जाए, लक्ष्मी माता जी सत्संग करती है, बहुत कथा सुनी है माता जी, इसलिए अच्छी बात है। इसलिए बोले कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं, भगवान को पता है ये कलयुग का जीव है, सत्य युग में बड़े कठोर तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, कलयुग में वो भी नहीं कर सकते, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, यज्ञ के लिए रोज रोज कितने पैसा ही खर्च, कहाँ से पैसा लाएंगे, द्वापर युग में अर्चन पूजा सेवा बहुत होती थी, बोले इसको कहाँ से लाएंगे, रोज पंचामृत और गुरु चंदन, बोले कलयुग में सबसे सरल उपाय दिया, बोले कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं, कलयुग में कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बस हाथों में काम करो, जो कुछ काम करो ठाकुर को सेवा मान कर करो, जैसे घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो समझो भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहे, जैसे खाना बनाते रोसोई किसके लिए बना रहे हो, ठाकुर जी के लिए, किसके लिए बना रहे हो, सचमुच ठाकुर के लिए बननी चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को प्यार देते हो, बच्चे किसने दिया है, प्रभु ने दिया, बच्चे तो भगवान ने दिया ना, इसलिए बच्चे किसके है, जैसे गोपियां हाथों में तो काम करती थी लेकिन मुंह में ठाकुर जी की नाम लेती थी, हाथों में काम और मुंह में ना, बस हो गया और क्या, इतने से केवल करना, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, कभी भगवान के नाम जप करो, कलयुग में हरि से बड़ा हरि का नाम है, बस इससे ही ठाकुर मिल जाएंगे, कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगर उनको पास में जाना तो उसको नाम को ग्रहण करने का, ठीक है। अभी हमारे ये प्रभु लोग थोड़ी थोड़ी और कथा सुनाएंगे कलयुग में भगवान के नाम के, अजय प्रभु जी वो भी सुना के, आप भी सुना दो, थोड़े थोड़े सब सुना दो, और कलयुग में विशेष करके जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, सब बोलो जोर से, अरे पीछे पीछे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी थोड़े इधर आ जाओ, ये क्या पानी है, सबको दे दो, थोड़ी पानी है, इधर आ जाओ। हाँ देखो, ये जो प्रभु जी खड़े हुए ना, ये पायलट है, ये छोटी बेटी ने विदेश में, अभी जो कोरोना आई ना, ये कहाँ देखो, मैं किसी लगाया देखो ना, ऐसे उसको थोड़ा कम कर दो, ये कनाडा में ये पायलट का काम कर रहा है, छोटी मोटी नहीं, दूसरों को ट्रेनिंग दे पाएंगे, ये पायलट है, और इसकी पत्नी भी पायलट है, और इसकी एक बहन जमाद भी पायलट है, और उसकी बहन भी एक जो बहन यहाँ पर है, इसलिए इनका परिवार है, पायलट परिवार इनका पूरा। चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामने कृष्णलीला कथने सुदक्षं मादार्य माधुर्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महंतं नारायणं तं शिरसा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
महाबलम्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णान सुते देवी प्रणमामि हरे श्री। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। सबसे पहले अपने गुरु पार्षद त्रिगा प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलम में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उसके बाद परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में आप माताएं बहने सभी को मेरा प्रणाम। महाराज जी ने आदेश दिया है कुछ बल बोलने के लिए दो शब्द नाम की महिमा महाराज जी ने सुनाई कि कलयुग में नाम ही सब कुछ है। महाराज ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी नर उतर नहीं पा रहा। लेकिन भैया नाम से भी जो नाम को देने वाला वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाम सबको मिलता नहीं है। नाम तो सुलभ है लेकिन कितने लोग करते हैं नाम कहाँ करते हैं। कोई अगर ऐसा महात्मा आए कोई संत आए जैसा कि महाराज जी कह रहे थे सत्संग बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक संत महापुरुषों के साथ में नहीं बैठेंगे उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे बहुत ध्यान से तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ नाम सबके लिए सुलभ है सबको अवेलेबल है जो चाहते हैं जो नहीं चाहते उसका क्या कह सकते हैं। जिसको महिमा पता है उसको तो नाम काम करेगा तो नाम सभी को करना ही चाहिए। अगर हमें समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं संत महात्मा तो अनुभव से कह रहे हैं। जो संत महात्मा है आप उनके चेहरे पे देखो कितना आनंद है। जो संत महात्मा हमेशा खिले हुए रहते हैं और हम लोग अपने को देखो आप आपस में बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं सत्संग में सोचते रहता है आगे क्या करना है पीछे क्या करना है कहाँ जाना है क्या करना है छुट्टी कितनी है अभी ऑफिस खुलने वाला 50 चीजें दिमाग में घूमती रहती है। संत महात्मा एकदम आनंद में जहां पे होते हैं वहीं रहते हैं कुछ आगे पीछे नहीं जाते। तो ऐसे संत महात्मा अगर जिसको मिल जाए उसका जीवन धन्य है और अगर किसी का गुरु ही मिल जाए फिर तो समझ लो भगवान ही मिल गए। क्योंकि जो गुरु है ये भगवान ही है अलग नहीं एक ही। भगवान बड़े करुणाशाली हैं बहुत ही दयालु हैं बहुत अति दयालु। अगर सारे भगवान की दया को एक जगह इकट्ठा कर लो बिन के चारों तरफ से खींच के एक जगह ले आओ और उसको एक मूर्तिमान रूप दे दो तो गुरु बन जाते हैं। तो हमारे जैसे गुरु जी है महाराज जी भी तो एक गुरु जो है भगवान की सारी दया इकट्ठी होकर आ गई है आपके पास। जैसे कि महाराज जी कथा सुना रहे थे वो व्यक्ति उस जिसने किडनैप कर लिया उसके पास गया तो वो अगर जाता नहीं तो कहां से उसको कुछ आता ना कभी राजा बन पाता ना वहां पे आ पाता। इसलिए गुरु इतने दयालु हैं हमारे घर में ही घुस जाते हैं आज घुस गए देखो। हम तो कहीं जाते कभी इनके पास मिलने कोई जाता अपने से पता भी नहीं कहां जाना कहां ये भी नहीं पता। इन्होंने किया कोशिश तो आ गए महाराज जी हमारे घर में। महाराज जी नहीं आए सिर्फ भगवान आए। ये मत सोचना कि भगवान में गुरु में कोई फर्क है। जो गुरु है वो अपनी पूरी परंपरा उनके साथ में है उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु ऐसे करके हमारी पूरी परंपरा कहां से कृष्ण से आ रही है। वो सबको एक साथ जोड़ दो तो हमने सामने जो बैठे हैं वही है वो सबको लेके आते अपने अंदर धारण करते हैं पूरी परंपरा को धारण कर रखा है। तो ऐसे गुरु अगर हमारे पास आ जाए तो इतने दयालु तभी तो आते हैं। हमारे महाराज जी तो विदेश चले गए 70-80 साल की उम्र में। जब व्यक्ति आराम से हम लोग संसारी लोग जब रिटायरमेंट की सोचते हैं अब तो आराम से बैठ के कॉफी पियेंगे सुबह सनराइज देखेंगे गार्डन में वॉक करेंगे मतलब आराम का जीवन। उस समय महाराज जी विदेश चले गए दुनिया को तड़प रहे हैं परेशान हो रहे हैं। बड़ी गुरु जी वो महाराज जी परेशान उस समय वो अमेरिका गए कहाँ कहाँ गए लोग परेशान हैं हमारी जो परेशानी हम उसको देखे नहीं जाते। और महाराज जी कह रहे थे अपने उसमें कि मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ मैं तो अपना भजन आराम से कर रहा था मुझे तो बहुत कुछ करना था हरिनाम ये वो मेरे बहुत सारा साधन भजन मुझे करना था लेकिन सब छोड़ दिया जब महाप्रभु की आदेश हुआ भगवान का आदेश हुआ कि तुम जाओ जो जीव तड़प रहे हैं मेरे उनको जरा जाके उनकी सहायता करो। तो ऐसी सहायता करने सब कुछ छोड़ के महाराज जी आ गए।
और जब ऐसे महात्मा लोग जब जाते हैं यहाँ वहाँ तो सिर्फ भगवान के नाम को ले जाते हैं, किसी चीज से उनको फर्क नहीं पड़ता। हमारे एक विष्णु प्रभु अमेरिका में है, गुरु जी पहली बार अमेरिका गए, उनके थोड़ी सी उन्होंने बात बताई थी, बता रहा हूँ। तो कह रहे थे कि यहाँ पे पहले बहुत महात्मा आ चुके हैं अमेरिका में तरह तरह के, और जो लोग पहली बार अमेरिका आते हैं वो वहां की सड़कों को देख के अचंभित हो जाते हैं। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, एक तरफ छह छह गाड़ियां, दूसरी तरफ छह गाड़ियां, और सभी लोग ये जरूर पूछते हैं कि ये सड़कें बड़ी अच्छी है, उनके बारे में कुछ कमेंट करते हैं। तो विष्णु प्रभु हमारे कह रहे थे, मैं गुरु जी को लेने गया, 1996 की बात है, एयरपोर्ट पे गया, वहां से मैं लेके घर आ रहा था, तो घर का रास्ता करीब 40 मिनट दूर था। तो वो तो कई लोग ऐसे लेके घर आए हैं अभी तक, कितने लोग उनके पास आते थे, सभी लोग ये बात पूछते थे रोड कैसी है, यहाँ रोड बड़ी अच्छी है, क्योंकि पहली बार देखते थे। तो गाड़ी चला रहे थे, अब सोच रहे थे महाराज भी पूछेंगे थोड़ी देर में, चलाते चलाते घर पास आ गया, 40 मिनट बीत गए, महाराज ने कुछ पूछा, हरिनाम कर रहे चुपचाप। तब इनके मन में बड़ा कुतूहल होने लगा, कैसे महाराज ने पूछ नहीं रहे, रहा नहीं गया। फिर उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज जी आपको रोड नजर आ रही है, इसके बारे में कुछ कहना आपने, ऐसे महाराज कुछ कह नहीं रहे थे। तो पता महाराज ने क्या बोला, महाराज जी कह रहे हैं बेटा मुझे तो कोई रोड नजर नहीं आ रही, मुझे तो कुंज गली नजर आ रही है चारों तरफ। देखिए महाराज जी को कुंज गली नजर आ रही है, उनको रोड देखी नहीं उन्होंने, क्या करेगी वो रोड उनके लिए, बेकार है। ये बाहर की रोडें काम नहीं आएंगी भाई, अंदर की रोड होनी चाहिए, अंदर रास्ता होना चाहिए। जिसके अंदर रास्ता जग गया, उसके अंदर की रोड खाली हो गई, वो भगवान तक पहुंच जाएगा, फिर आनंदित हो जाएगा। जो आनंदित हो गया उसको ईंट पत्थर की रोड के आनंद है, कुछ नहीं दे पाए। तो उन्होंने देखा ही नहीं इसको, उनके लिए कोई उसकी अस्तित्व नहीं। एक और ऐसे महाराज जी की कथा याद आ गई, आजकल हम लोग महाराज जी के 100 साल चल रहे हैं हमारे बड़े गुरु जी के, तो हम लोग हर रोज मधुर स्मृतियां करते हैं। आप मानोगे नहीं, 1 साल से ज्यादा हो गया है, जूम पे करते हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं जैसे आनंद है। हर रोज उनकी लोग अपनी अपनी बातें सुनाते हैं, उन्हीं में से कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं, जिसके साथ क्या क्या हुआ, और ऐसी ऐसी अद्भुत बातें चमत्कारी जो हमको पता नहीं थी। तो ऐसे एक बार महाराज जी अमेरिका में थे, तो उनकी रहने की बड़ी व्यवस्था करी गई। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि संत महात्मा लोग कैसे होते हैं, इस बात को समझने के लिए कि उनके वो कहाँ रहते हैं। लगता है कि हमारे बीच रह रहे हैं, लेकिन हमारे बीच रहते नहीं, हमारे बीच होते हुए भी वो भगवान के साथ रहते हैं, नित्य निरंतर उन्हीं भाव में डूबे रहते हैं। हमारे साथ तो कृपा करने आते हैं, यहाँ आने कोई जरूरत नहीं उनको, वृंदावन धाम बहुत बढ़िया है, आप जाओ महाराज जी के मठ में जाओ, सब फैसिलिटी सब बढ़िया, आनंद है, रोज सुबह शाम मंगल आरती, सुबह दोपहर को आरती, रात को आरती, कीर्तन, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोगों की तड़प देखते हैं, किसी को हमारी जरूरत है, तब आ जाते हैं। तो ऐसे गुरु जी गए थे अमेरिका एक बार फिर से, तो वहां पे उनको रहने की व्यवस्था करी गई, तो बहुत अच्छा उन्होंने होटल में महाराज जी को रखा। तो वहां पे होटल में जहां उन्होंने गेस्ट उनको व्यवस्था करी थी गुरु जी की, वहां पे उसने कोई ऐसे छोड़ दो ना, जो करना चाहते सो करने दो। तो वहां कोई रात को उसमें पार्टी थी, तो बहुत जोर से लोग डीजे चला रहे थे, जैसे यहाँ भी होते हैं कई बार शादी होती कुछ होता है, तो वो बहुत देर तक चलता रहा, 12 बजे रात के। तो सुबह सुबह लोगों ने आके बोला, महाराज जी आपसे क्षमा चाहते हैं, आपको नींद नहीं आएगी रात भर, हमें नहीं पता था यहाँ पे उन्होंने ऐसा फंक्शन है, रात भर बड़े जोर जोर से लोग संगीत बजाते रहे, तो हम क्षमा चाहते हैं। तो महाराज जी का क्या कहना था, महाराज जी कह रहे हैं कहते कौन सा संगीत, कहते मैं तो कुछ सुना नहीं, तो मुझे तो बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही थी। देखिए उनको बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही रात भर, कहाँ पे वो बैंड बज रहे हैं, इतने जोर से हल्ला हो रहा है। तो ऐसे संत महात्मा लोग राधा कृष्ण के साथ रहते हैं नित्य निरंतर, और कभी कभी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हम ऐसे संतों को पहचान नहीं पाते, उनसे हम लोग कुछ ले नहीं पाते, हमारे हृदय हमारी बुद्धि सब बंद करके बैठते हैं। सूर्य तो बाहर निकला है, बड़ी अच्छी धूप निकल रही है, इतनी ठंड हो रही है अंदर, बाहर बैठने मजा आएगा कि नहीं आएगा, हम तो घर दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं, ठंड में कहां पर है, बाहर नहीं निकलते। संत महात्मा आए हैं सूर्य की तरह है, चारों तरफ रोशनी फैला रहे हैं, हम तो अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, हृदय को भी दिमाग को भी, हमें कुछ क्योंकि श्रद्धा नहीं उनके प्रति। इसलिए संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु जो है वो भगवान का स्वरूप है, भगवान स्वयं ही आए हैं, अगर भगवान आ जाए तो अब क्या करोगे, जो कुछ करोगे वही करना चाहिए, अगर भगवान को मानते हैं, नहीं मानोगे तो भी भगवान तो है, आपके मानने और नहीं मानने से भगवान की सत्ता में जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने आनंदित हैं, वो राधा रानी के साथ आनंद में है,
और भगवान के भक्त भी आनंद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को मानो या ना मानो, संत महात्मा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी मानने नहीं मानने से बिल्कुल एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, वो आनंद में है। हाँ, आप मानोगे तो आप भी आनंदित हो जाओगे। जैसे कि वो महाराज ने कथा सुनाई ना, लड़का अपने घर वापस आ गया, हम भी अपने घर वापस चले आएंगे। अभी अपने घर में नहीं बैठे हम लोग, हमारे स्वामी महाराज प्रभुपाद जी इस्कॉन के जो आचार्य, वो तो कहते थे ये संसार जो है ये बाथरूम की तरह है, यहाँ पे अपना काम करके निकल जाओ, जब जिसके लिए आ जाए बाथरूम में क्यों जाते हैं, पेट हल्का हो गया निकल लो बाहर, वहां बैठे मत रहो बदबू आएगी। इसी तरह से हम यहाँ काम करें और भगवान के धाम में चले जाए। संत महात्मा हमें बुलाने आ रहे हैं, नॉक कर रहे हैं बाथरूम की खिड़की दरवाजे पे, अरे बहुत देर हो गई बैठ निकलो, कब तक यहाँ इसमें पड़े रहोगे विष्ठा के अंदर। लेकिन हम लोग भी ऐसे विष्ठा के कीड़े जो है उसको विष्ठा ही अच्छी लगती है, बोलेगा नहीं बड़ा बड़ा मजा आ रहा है, छोड़ो यहाँ पे और आनंद लेने। तो यहाँ का जो आनंद है कुछ नहीं, दुखदाई है, संसार के भोग सारे के सारे दुखदाई है, अंत में दुख में ही परिणत हो जाते हैं। लगता है कि बड़ा आनंद मिल रहा है और मिलेगा, जब तक नहीं मिलता तो सोचते रहते मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और जब वो चीज मिल जाती है तो फिर देखते अरे ये दुख ही मिलता था। आपने अनुभव किया होगा, और नहीं किया होगा तो कर लीजिए, और जब तक पक्का ना हो जाए बात कि संसार में कुछ रखा नहीं है, इसका अनुभव। हम लोग तो संसार में रहते हैं लेकिन सोए सोए से रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, कभी आंख खोल के नहीं रहते, बेहोशी में संसार में से निकल जाते हैं, कुछ देख नहीं पाते, अरे सब कुछ तो सामने सामने हो रहा है, सामने सामने व्यक्ति बुढ़ा होकर मर रहा है, सामने सामने कोई प्रसन्न नहीं हुआ आज तक, आपके बाप दादा कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ आज तक, कोई किसी को भी आनंद नहीं मिला, सब मर गए, लेकिन हम तो सोए रहते हैं, हम सोचते हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, हम आनंद प्राप्त कर लेंगे, ऐसी हमारी अवस्था है, बेहोशी में है, आराम से सो रहे बढ़िया, क्योंकि आपकी रोटी मिल रही है बस इसी में। जैसे कि कुत्ते गाय, हमारे गुरु जी इसकी भी कथा सुनाते थे, कहते कलकत्ता में एक बहुत बड़ा गाय को काटने वाला कसाई घर है, महाराज जी कह रहे थे एक बार मैं वहां से गया, मैंने देखा, कहते गायों को उसने बाहर लाइन में लगा रखा है और एक एक करके वो काटते हैं अंदर जाके, और कहता है बाहर जो है उनको कुछ घास दे रखी है हरी हरी घास, अब वो गायों को एक एक करके नंबर आता है, लेकिन वो गाय जो है एक दूसरे को घास के लिए सींग मार रही है, ये घास मेरा और ये घास मेरा, खींचातानी चलती है, उनको ये नहीं पता कि थोड़ी देर बाद नए घास काम आने वाला, नए सींग मारना काम आने वाला, सबके साथ काम हो जाएगा। हम लोग भी ऐसे घास के लिए खींचातानी कर रहे हैं, बहुत जोर से खींचातानी, पूरा जोर लगा रखा हमने, सारा दिमाग बुद्धि हृदय सब इसी में घास में लगा रखा है, वो नहीं दिख रहा आगे जो होने वाला है, यहाँ से निकलना पड़ेगा, जब जबरदस्ती भगाए जाएंगे डंडे मार के यहाँ से, तब वो नजर नहीं आ रहा, वो दिन कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। हमारे यहाँ पे गुड़गांव में एक जगह है अर्थ फाउंडेशन, वहां पे एक सज्जन है बहुत सेवा करते थे, अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में भी आ चुके महाराज जी, अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन, आप जान सकते हैं गुड़गांव में बंदवाड़ी गांव के अंदर उनकी संस्था है, और ऐसे ऐसे लोग आईएएस ऑफिसर उनके घर से लोगों ने भगा दिया है, रोड पे पड़े हुए कोई मिल गया कोई, यहाँ पे उनकी सेवा करते थे बहुत। कल परसों की बात है, अचानक से हार्ट अटैक हुआ, संसार छोड़ के चले गए अचानक से, कोई खबर नहीं, कोई पहले ही नहीं कि भैया बीमार हुए कुछ एकदम, हमारे अंकल खुद के कस्टम अचानक से दिन चले गए, इतना बढ़िया कीर्तन करते थे। तो भैया कोई किसी का सर्टिफिकेट नहीं यहाँ पे कि कब तक कितने रहना है, जब तक जितना नाम ले लू ना यही काम आएगा, बाकी कुछ भी काम नहीं आएगा, वो सब घास की तरह लड़ते लड़ते हम लोग यही निकल जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी, बड़ा अर्जेंट जरूरी है, हम लोग अर्जेंसी नहीं समझ रहे, ये समय की अर्जेंसी नहीं समझ रहे, कितनी जल्दी इस काम को करना चाहिए, हम सोचते हैं अरे बाद में कर लेंगे, क्या जल्दी, अभी तो जवानी है, जब बुढ़ापे में कुछ नौकरी वोकरी नहीं होगी तब कर लेंगे रिटायरमेंट पे, ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता हो तो भगवान अर्जुन को क्यों संदेश देते, रिटायर थोड़ी हो रहा, लड़ने के लिए खड़ा था युद्ध में, किसी रिटायर आदमी को बैठ के देते पेड़ के नीचे हिमालय के ऊपर, वहां पे नहीं गए एकदम मैदान के बीच में जहां पे सारा एक्शन हो रहा है, लड़ाई झगड़ा होने वाला है, एकदम यंग अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया, क्योंकि तुम्हारे लिए है, तुम्हें काम आएगा। इसलिए संत महात्मा हमें भी उपदेश देने आए हैं, जो हम लोग संसार के बीच में फंसे पड़े हैं, हमारे बड़े काम की चीज है ये भजन करना, ऐसा मत सोचना कि अरे तो बेकार रिटायर्ड लोगों का काम है ये माला के घूमने लगे, मैं भी तो पायलट हूँ महाराज जी बता रहे थे, कम काम नहीं करता किसी, कम पैसे भी नहीं कमाता, लेकिन भगवान का नाम जो है ना ये बड़ा जरूरी है, चाहे काम कुछ भी करो, कम ज्यादा मोटा पतला जैसा भी करो, नाम के साथ ये मुख्य चीज है, काम साइड में सेकेंडरी है, काम सिर्फ इसलिए है कि हमारा नाम हो जाए, हमारी तो स्थिति उल्टी है,
हम तो काम मेन रखते हैं और नाम अगर बचेगा समय तो नाम भी कर लेंगे, ऐसा नहीं। सब कुछ जीवन में इसलिए है कि हम नाम कर सके, इसलिए उनको जोड़ा गया है ताकि नाम करने में दिक्कत ना हो। लेकिन हमारा क्या है, हम एकदम उल्टा है, हमारा काम ठीक रहे, पैसे बढ़िया रहे, नाम हो जाएगा तो लगा देंगे बीच में थोड़ा सा। ठाकुर जी को भी लाते हैं लेकिन अपने सेवा में लगा देते हैं, ठाकुर जी हमारे ये करो वो करो ये करो, 50 चीजों की चीजें बोल देते हैं, अपने को बीच में रखते हैं जीवन भर कि मैं ही मुख्य हूँ, तो मेरा शरीर ही मुख्य है। भगवान को कभी समझ में नहीं पाते, संत महात्मा को भी नहीं समझ पाते। इसलिए आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, हमारे संत महात्मा हमारे घर चल के आए हैं, अपने साथ इतने सारे लोग भी आए हैं, भक्त लोग भी आए हैं। ये सब भक्त कोई साधारण नहीं है, यहाँ जो बैठे हुए हैं लगता है साधारण, सभी बड़े अनुभवी हैं, बहुत अनुभव है इनका जीवन में, बहुत कुछ देखा है इन्होंने, बहुत कुछ समझा है। हमारे जैसे नहीं, आंख बंद करके सोते सोते निकाल दिए दिन, जाग के देखा है कि जीवन में रखा क्या है। दुख हाल है मैं शाश्वत, भगवान कह रहे हैं संसार दुख का घर है, अशाश्वत है, नष्ट हो जाएगा, उससे पहले पहले अपना कुछ बना लो। हमारे गुरु जी कह रहे थे प्रवचन में, जीवन भर काम करते हैं, अंत में झोली खोल के देखते हैं तो कुछ मिला नहीं, खाली रह गए। जीवन की उपयोगिता केवल इतनी है कि इसमें से हम भजन को निकाल लें, किसी तरह से भजन बना लें। अगर बना लिया तो बहुत काम की चीज है, नहीं तो बेकार है, भोग में लगा है, जन्म पता नहीं कितने होंगे आगे। इसलिए भगवान के नाम का हम आश्रय ग्रहण करें, गुरु वैष्णव के चरणों में अपने हृदय को दें, अपनी बुद्धि को दें, अपने सब कुछ को दें, सब कुछ निछावर करें गुरु वैष्णव के चरणों में, तभी जाके नाम में हमारी श्रद्धा होगी, नहीं तो हमारी श्रद्धा भी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, नींद तो नहीं आ रही? तो सभी लोग, हम लोग क्या करना चाहिए, महाराज जी आए हृदय से इनके चरणों में हम आश्रय ग्रहण करें। महाराज जी कथा भी आसपास चल रही है, कहाँ चल रही है, खोड़ा में कथा चल रही है नोएडा के पास, जो लोग जा सकते हैं जाए, महाराज जी भागवत कथा का वहां पे आयोजन कर रहे हैं हम लोग हमारे खोड़ा। तो अगर आपका एड्रेस तो प्रभु जी से ले लेना, बहुत सुंदर कथा चल रही है महाराज जी की, शाम को होती है, आज भी जाएंगे, बीच में यहाँ पे हमारे लिए भी आए हैं तो। और महाराज जी वृंदावन से हैं, हमारी परंपरा से, ऐसे वैसे संत नहीं कि कहीं भी कोई आ गया अभी मैं संत, ऐसा नहीं, परंपरा कृष्ण से परंपरा चलते हुए आ रही है पूरी, यहाँ कृष्ण से लेकर यहाँ तक, वो जो वहां के जब संत मिलेंगे उनसे असर होगा। ऐसे नहीं कि कोई बोला मैं संत भैया मैंने 2-3 किताब पढ़ ली अब मैं जो बोलूंगा, ऐसा नहीं। ऐसी परंपरागत अगर वैष्णव संतों से मिलेंगे वहां से हमें कुछ फायदा होगा, नहीं तो हमारा मनोरंजन होगा, कोई फायदा नहीं होगा, कुछ लेकर जाओ। देखो दुनिया के बाहर कितने लोग गए प्रचार के लिए, विवेकानंद जी भी गए, बहुत लोग गए, लेकिन किसी ने किसी को भक्त बनाया? हमारे जब स्वामी महाराज जी गए, गुरु जी गए, लाखों लोग भक्त बन गए, उनका जीवन बदल गया। आप मेरे कार्यक्रम पे सुनो, शाम को आज भी होगा 7:30 बजे, नेपाल से रामचंद्र दास जी बोलेंगे, नेपाल के व्यक्ति हैं, कभी अमेरिका से लोग बोलते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से बोलते हैं, कैसे अपने जीवन को धन्य मानते हैं, बड़े बड़े लोग, रोज शाम को 7:30 बजे होता, आप लगा के सुनो, उसको भी सुनो, फॉन्ड मेमोरीज ऑफ श्रील गुरुदेव यूट्यूब चैनल चले जाना, लाइव हो जाता रोज शाम को 7:30 बजे, 1 साल हो गया, कितने लोग बोले जा रहे हैं, कैसे उनके जीवन को परिवर्तन। ये ऐसे महात्मा लोग जो परंपरा से आते हैं वही आपके जीवन को बदल सकते हैं, बाकी लोग जो आके बोलेंगे वो कुछ आनंद देके बस थोड़े देर एंटरटेनमेंट खत्म, कुछ जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, वैसे के वैसे चल रहा है, जो कर रहे वही करते जा रहे, खाली थोड़ी देर अच्छा लगेगा बड़ी अच्छी बात बोली, लेकिन तभी कुछ बदलाव आया नहीं आया। यहाँ देखो कितना बदलाव आ गया, ऐसे ऐसे लोग जो बहुत बहुत दान करते थे सब समर्पित हो गए गुरु जी को, ऐसे हमारे लोग हैं हॉलैंड में रहते थे पूरा घर बार सब बेच के गुरु जी के पास, आज वृंदावन में रह रहे हैं, एक नहीं बहुत। परसों हमारे पास एक लेडी आने वाली जर्मनी की, हिंदी में बात करेंगे, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हिंदी में, जर्मनी की लेडी डॉक्टर थी, वृंदावन में रहती है, ऐसा गुरु जी का प्रभाव। आप लोग सुनना चाहते हैं सुनिए उनके अनुभव को, क्या उनके साथ हुआ, कैसे वो यहाँ पे आई, कैसे हिंदी बोल रहे हैं इतने बढ़िया, परसों 7:30 बजे वो भी आने वाली है। तो आप ऐसे जुड़े वैष्णव से मिले, इनकी इनके अनुभव को देखें, जब इनके अनुभव को देखेंगे तो हमें अपने जीवन में भी उसका फायदा होगा, तो हमारा भी जीवन में परिवर्तन आएगा, कुछ क्रांति आएगी, नहीं तो ऐसे चले जा रहे हैं, ऐसे खत्म हो जाएगा। कुत्ते भी तो ऐसे जा रहे हैं, उनका भी जीवन खत्म हो जाता है, उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए, आहार निद्रा भय, मैं तुम खाना खाया सो गए, भय अपनी रक्षा कर ली, बच्चे पैदा कर दिए, काम खत्म। सारे जानवर यही कर रहे, हम भी ऐसे करके निकालना चाहिए। इसलिए वैष्णव के चरणों में आश्रय लें, गुरु जी के अपने उनको भगवान की जैसे भगवान ही माने, भगवान की करुणा का स्वरूप वो हमारे घर आए हैं, हम लोग बहुत सम्मान के साथ प्रणाम करें, उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुने, उनकी जो बातें हैं बहुत हमारे काम की उपयोगी हैं। अगर उनको प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो वो काम ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन श्रद्धा होगी तो जीवन में क्रांति ले आएगी। इसलिए
बड़ा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। वांछा कर तो करो जब से कृपा संतु है पति का नाम पास वैष्णव हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कीर्तन सुन लो ठीक है, ठाकुर जी आरती कर देंगे फिर हमारी कथा शुरू हो जाएगी। मेरी करुणा मई सरकार मिला दो ठाकुर से एक बार Thank you.
मिनट सुन लो। देखो जिस घर में भगवान की कथा हो, ठाकुर का कीर्तन हो, भागवत कहता है, वो घर घर नहीं रह गया, वो भगवान का धाम बन गया, वो वृंदावन धाम बन गया। और जिस घर में प्रभु का कीर्तन सत्संग हो, कहते घर का जितने अमंगल है, घर का जितने दुख कष्ट है, हम कहते ना मंगल भवन अमंगल हारी, घर का सारे अमंगल दूर हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, जिस घर में प्रभु की कथा और कीर्तन हो गया, समझो पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आ गए। आप लोग कथा नहीं सुने, बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में स्नान कर लिया, बैठ बैठ कर सब तीर्थ, कई तीर्थ में जाने का जरूरत नहीं, सारा तीर्थ यहीं पर आ गया और यहीं पर बैठ बैठ कर सारा तीर्थ में नहा लिया। अभी प्रभु जी बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुना रहे थे। अभी प्रश्न होता है, सत्संग से कुछ तो लेकर के जानी चाहिए ना, खाली हाथ से नहीं जानी चाहिए, कहते कुछ दो और कुछ लो। कब दे किया, बोले सारी गंदी चीज को देकर चले जाओ। बोले लो क्या, बोले प्रभु का प्रेम लेकर के जाओ। भगवान की क्या लेकर जाओगे, भगवान की प्रेम भक्ति लेकर के जाओ। अभी प्रश्न होता है कलयुग में फिर क्या प्रेम क्या है, पर भगवान कलयुग में अपना नाम रूप में आए, ठाकुर जी अपना नाम रूप में आए। देखो हम लोग तो हिंदू है ना, देख लेना जीवन में जो कुछ क्यों नहीं करे, जो कुछ जिंदगी भर करो, लेकिन जब अंतिम समय आ जाती है, अब देखे होंगे जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, अब सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, नाम सत्य, यही बोलते हैं ना। किसको सुनाते हैं, जो ऊपर जो लेटा हुआ व्यक्ति उसको सुनाते हैं, भैया जीवन में जो जितने तुमने राम का नाम लिया, जितने कृष्ण का नाम लिया है, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है। कल सब कोई बात झूठा है, बोलत ने राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सब कोई बात झूठा ही बोलते ना। मतलब क्या, भगवान के नाम ही साथ में जाता है, सब जीवन में सब झूठा है। इसलिए एक दिन ठाकुर जी को भगवान को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में भोजन है। भगवान बोले देखो सबके घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करते हो, बोले जो लखपति बनेगा, जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति कोई साधारण बात नहीं था, जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो। बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर हो, बोले हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। अरे भगवान सबको बैठाया समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन है, बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर जी का नाम जप करते हैं वही असली लखपति। इसलिए मीरा का एक भजन आप लोग गाते होंगे, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, उसके बाद में राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊ गली गली, है ना, मीरा की आज भजन है। अभी अमिताभ बच्चन नाम सब जानते हो, जानते कि नहीं, अमिताभ बच्चन अभी भी आ रहा है कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति। इसलिए भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, आप लोग देख लो अब लखपति कैसे बनोगे, भगवान खुद समझा रहे हैं। जैसे ये माला है, माला में जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं ना, जैसे हरे कृष्ण, मेरे साथ में बोलो सबके साथ, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोल कर इसमें एक मोती सरकाते। अच्छा तो इस चीज को सीख लो, क्यों यही काम में आएगा, अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो 1 लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया, 16 बार हो गया है। जब एक मोती के बोले सरका है, इसमें 16 बार भगवान का नाम जब करते करते यहाँ जैसे खत्म हो जाता है ना, इसको हम पार नहीं करते, फिर ऐसे घुमा दे, घुमा कर फिर दूसरे तरफ से करते, अगर ऐसे 16 राउंड कर लिया, अगर हिसाब करो तो हो जाता है 25,000। अगर हमने 64 माला कर लिया तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। भगवान कहते तुमने 1 लाख माला नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। ये भगवान खुद कह रहे हैं। बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी, ब्याज कितना मिलेगा। मीरा कहती है दिन दिन बढ़ता सवायो पायो जी मैंने राम रतन, आज अगर 1 लाख करोगे कल तुम्हें 1.25 लाख मिलेगी, और 4 दिन में कितना हो जाएगा, 2 लाख, कितना हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी तुम्हारी। अरे ये जो धन है ना, कहते चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सवाए, ये धन पूरा के पूरा ये धन तुम्हारी साथ में ये धन जाएगा। अगर पत्नी करेगा तो पति को नहीं मिलेगा,
पति करेगा तो पत्नी को नहीं मिलेगी, बच्चे करेंगे तो पिता माता को नहीं मिलेगा, पिता माता करेगा तो बच्चे को नहीं मिलेगा। जो करेगा ये धन को इस जीवन में आप ही धनी बनोगे और अगले जीवन में तो तुमको ब्याज समेत मिलेगी, ब्याज समेत। इसलिए कबीरा कह रहे हैं मरने में सब जगह डरे। अभी कोरोना आई था ना, अभी भी कोई तीसरा लड़के आ रहा है, इसलिए देना कोरोना सबसे घर को बंद कर दिया। बोले क्यों, कोई मरना नहीं चाहते? कोई मरना चाहते जगत में? बोलो कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहते हो? कोई नहीं। लेकिन ये कबीर कहते हैं मैं तो मरने के लिए बड़े खुश हो रहा हूँ। किसने बोला भैया मरने के लिए तुम डरते, तू क्यों खुश हो रहे? देखो वो कीमती कितने कीमती बात कहता है। बोले इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, मैंने जिंदगी भर प्रभु का मैंने नाम जप किया है, मेरे को पता है ये ब्याज समेत हमें मिलेगी, इसको कोई ले नहीं सकते, ब्याज समेत मिलेगी, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ। बोले दूसरे दुखी क्यों हो रहे? बोले जानते हैं ना मरने का बाद पता नहीं कौन सा जीवन में जाना पड़ेगा, कौन सा पेड़ पौधा जानवर जीवन में जाएंगे, कौन सा नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए दुखी हो रहे मरने के लिए। लेकिन मैं तो खुश हो रहा हूँ, क्यों? जिंदगी भर प्रभु का भजन किया, जानता मेरे लिए भैया की व्यवस्था आएगी अगर प्रभु का भजन करेंगे ना। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति है वो अंतिम समय में इसलिए उसको बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम सत्य है। वो किसको सुनाते हैं? वो जो ऊपर जो लेटा हुआ उसको सुना रहा है, उसको सुनाते बोले भैया तेरे साथ में भी किया जा रहा है, एक सुई धागा भी यहाँ से ले नहीं जा रहे हो, सारे धन दौलत कमाए हमें सब यही रह गई, पत्नी रो रो कर दरवाजा तक जा रही है, परिवार शमशान तक जा रहे हैं, उसका आगे कोई तुम्हारी साथ नहीं जा रहे, साथ में क्या जा रहे हैं? बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसे जितने प्रभु का नाम जप करोगे ना यही धन ही हमारे साथ में जाएगा, ठीक है ना। और बताना हरे मतलब दुख कष्ट को हरण कर लेते हैं, कृष्ण मतलब क्या? मन को शांति मिलता है, आराम मिलता है, राम मतलब जीवन में आराम मिले। अगर प्रभु का नाम जप करेंगे तो आराम शांति सुख मिलेगा और ये धन खूब कमाओगे, ठीक है ना। माला जप करते हो? एक माता माला जप बहुत अच्छी बात है, हम लोग कोई नहीं कर रहे ना। देखो आप लोगों के लिए ना, मेरे को पता नहीं था, मैं तो सोच रहा था इनके घर में यही लोग एक दो व्यक्ति होंगे, मेरे को पता नहीं आप इतने अच्छे अच्छे भक्त लोग यहाँ आओगे, हम पता ही नहीं था। नहीं तो आपके लिए हम एक माला लेकर के आते, आप करके माला पकड़ा कर जाते, बोले भगवान की माला जप करो, जब जब समय। अब तो मुझे लगता है आप लोग का अभी घर में सब बहू आई होगी, घर में बहू घर काम धंधा संभालती होगी, अब तो रेस्ट है, समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। देखो हमारा शास्त्र कहता है 50 साल के बाद में घर में नहीं रहनी चाहिए, उसको बाद में जो अंक आते ना, एका बन बाप बन, बन जाओ वृंदावन घर में नहीं, चौ बन बन घर में नहीं, शास्त्र कहता है क्यों? 50 साल तक घर गृहस्थी, उसको बाद में बान प्रस्थ है। लेकिन अगर वृंदावन नहीं जा सकते लेकिन घर में बैठी बैठी कब से वो ठाकुर को तो भजन कर सकते हैं ना, है ना। माला जब करोगे कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ नहीं उठा रहे क्या चक्कर है? हाथ उठा कौन को माला जब करेगा? हाँ ठीक है, मैं ना आप लोगों के लिए एक माला में भेज दूंगा, ठीक है ना। ए बच्ची कहाँ गई? बंसिका इधर आ जा, मैं कुछ माला भेज दूंगा, नीम की माला दे दूंगा तुम इन लोगों को ना, मैंने इन लोग माला ले ली, ये लोग ना सब माताएं एक माला लेंगे, ये माताएं एक माला लेगी, ये मैं अभी ये प्रभु जब छोड़ने के लिए जाएंगे ना हम कुछ माला भेज देंगे, और माताएं तो सब अड़स पड़ोस में रहते हैं, इनको दे देना। पहचानते कि नहीं इन सबको? जानती है ना ये सबको, ये सबको एक माला दे देना। देखो जिस घर में शास्त्र कहता है, जिस घर में भजन करे ना वही वृंदावन। अब स्वयं देख लोगे जितने समय ठाकुर का नाम लोगे उतना समय तुम्हारे हृदय में आनंद आएगा, इतना चैन मिलेगा प्रभु का नाम से। देखो ये दो पति पत्नी है भजन कर रहे, गले में कट्टी तिलक माला प्रभु की माला का देखो, माला 1992 में गुरुजी ने दी थी, और जो बड़ी गुरु 92 हाँ, इतनी पावरफुल चीज है आप उसको समझ नहीं पाओगे, जब इधर लास्ट में लेकर पायलट बनाए और विदेश में कनाडा में पायलट है, तो ये 1992 में हमारा वही वाली सेम माला जो मोदी ने अपने हाथ से दी, तो इनमें बड़ी शक्ति है। ये जो माला नहीं है ये समझ लो ये एटम बम है, ये फटेगा ना जब तो पूरा मिला देगा दुनिया पूरे एकदम आपके जीवन में आनंद ही भर देगा। तो जिस इसी से स्टार्ट होता सारा कुछ, उस समय भी नहीं पता गुरु जी ने दे दिया तो माला दिया, दे रहे अब तो जाकर पता चले कितनी पावरफुल है ये, इसको चिंतामणि कहा गया शास्त्र में, जो चिंता करोगे वो मिल जाएगा, हमने देखा मिलता है, हमने इसको अनुभव किया, इसको देखा, जो आप चाहोगे ऐसी कोई भी चीज़ दे नहीं सकती, संसारिक चीज क्या आध्यात्मिक चीज क्या जो मर्जी आप कुछ भी सोच लो करके प्रैक्टिस करके देखो ना। मेरे बाप को मत मानो, जब ऐड आता है 555 उसका
555 साबुन की टिकिया का ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे वहां तो सब लोग लगा के ले आते घर में रगड़ने के लिए, इसको लगा रगड़ के देखो और फिर देखो क्या काम करता है, तो बोलोगे अपने आप अपने दोस्तों को ले जाओ, इनको भी लाओ महाराज, इनको भी सब लाओ। हम लोग आप लोगों को देखकर बड़े खुश लगा है, आप लोग अपने लोग लेकर ताली बजाओ बजाओ। सत्संग में जो आए ना ठाकुर जी उनको स्वागत करते हैं, जब कृष्ण बंसुरी बजाए ना, जब गोपियां सब छोड़ कर आई, भगवान सबको स्वागत है। तुम लोग बड़े भाग्यवान हो जो मेरे पास में आए, तुम लोग घर भी छोड़ कर सत्संग में आए, मतलब ठाकुर जी आपको बुलाया है, ठाकुर जी बंसुरी बजाया है आपके लिए, मैं तालियां बजा रहे, आपने इतना बड़ा ज्ञान दिया आप लोग है, तब कथा किसी को सुना रहे, आप नहीं आते कथा ठीक है ना। मैं माला ए बच्ची मैं माला भेज दूंगा भैया का, तुम माता को सब दे देना, सब बोल देना कैसे कैसे भजन करेंगे ठीक है, हम बीच बीच में आते रहेंगे ठीक है।